सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल हब में। आज ये जो न्यूज़ मैं बता रहा हूँ आपको, वो आपके बोर्ड की परीक्षाओं से रिलेटेड है। थोड़ा ध्यान से सुने इस बात को और गौर करें अपने आप पे। पहली बात तो मैं बता दूँ, कई राज्यों ने अपनी जो अगली परीक्षाएं हैं, जो आपके प्राथमिक लेवल के जो एग्ज़ाम हैं, जो एक से लेकर आठवीं कक्षा तक हैं, उनके जो एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करने का निर्णय लिया है पूरी तरह से, और उन बच्चों को अगली कक्षा में दाखिला देने की भी बात कही है। लेकिन राजस्थान में ऐसा कुछ भी फ़िलहाल नहीं मिला है न्यूज़ की ऐसा कुछ होगा। अभी राजस्थान में जो टोटल विद्यार्थी हैं 1.31 करोड़, छात्रों की परीक्षाओं में और देरी बिना टेस्ट प्रमोशन की विकल्प की बात कही गई है। लेकिन ये भी जानते हैं कि बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं 8th क्लास की, उसमें फेल करने का विकल्प नहीं होता है, तो सोचा जा रहा है कि उनको पास कर दिया जाए, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो तैयारी के लिए 16 दिन हैं अभी, और मतलब आपके पास बचे हुए हैं, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने आप को। जिसमें अब हाँ आगे बात करें, 1 से लेकर 9 और 11वीं के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश की मांग कर रहे हैं, जो विश्व शिक्षक संघ के उप सभाध्यक्ष पुष्पराज सिंह हैं, उन्होंने ऐसा मतलब आह्वान किया है। अब ये देखेंगे कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है, ये कह पाना भी मुश्किल है। 1 से लेकर 9 क्लास और 11वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए सूचना है, और 8वीं के विद्यार्थियों को भी बिना परीक्षा के अगली कक्षा में करने का प्रमोट करने के लिए केवी ने फैसला ले लिया है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे 1 से लेकर 8वीं तक हैं वो नेक्स्ट क्लास में जा सकेंगे, ये फैसला कन्फर्म हो चुका है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है केवी के स्टूडेंट्स के लिए ही है। और हम आगे बात करें, जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ हैं उसको अभी स्थगित कर दी गई हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद उसको स्टार्ट किया जा सकता है। एक दिक्कत ये आएगी आपको, अभी मैं बता देता हूँ, पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। लॉकडाउन को देखते हुए जो परीक्षाएं निरस्त कर देनी चाहिए स्कूलों में 8वीं तक की परीक्षाएं, क्योंकि RTI में पास और फेल का नियम नहीं है। ये बात इसलिए कही गई कि आपके 1 से लेकर 8 तक के जो 8वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उनको ग्रेडिंग मार्क्स दे के पास किया जाता है। फेल का कोई नियम नहीं है RTI में, तो इसीलिए केवल ग्रेड मार्क्स दे करके उन बच्चों को पास कर दिया जाता है। तो 8वीं बच्चों के लिए खुशखबरी है कि वो किसी भी हालत में 9वीं क्लास में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, वो एग्ज़ाम दे के जाएँ या विदाउट एग्ज़ाम जाएँ। अब आगे बात करते हैं हम, मेन जो आपका जो कितने बच्चे हैं प्रदेश के, 20,58,000 स्टूडेंट जो हैं वो बोर्ड परीक्षाओं के शेष पेपरों के लिए अभी भी उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, और 15 अप्रैल तक राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की शेष परीक्षाओं का आयोजन की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन पड़ा हुआ है। अब अगर ये चीज़ स्थिति है, तो इसके ऊपर जब हमारे DO से बात हुई तो उन्होंने बोला कि परीक्षा का टालना संभव नहीं, यानी कि 10वीं और 12वीं का जो परीक्षाएं हैं उनको टालना संभव नहीं है। स्वर्णिम अवसर है स्टूडेंट्स के पास कि वह 6 मार्क्स ला सकें, क्योंकि आपके पास लॉकडाउन के चलते बहुत लंबा समय है जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत आपको एक आने वाली है, जो आप ये समय बेवकूफ़ी की तरह इधर उधर खर्च कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि आप एग्ज़ाम टल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल तक की ये न्यूज़ है, अभी तक की बता रहा हूँ मैं, आगे क्या होगी वो तो मैं बाद में बता दूंगा जैसे ही कोई अपडेट आती है। बट अभी आप अपने जो भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें शायद गैप मिलना मुश्किल होगा, यानी कि गैप नहीं होगा तो आपको जो सब्जेक्ट हैं उनकी तैयारी पहले से ही करके रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो यही है एक DO की जो बात, अगर इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली है तो इसका मतलब परीक्षा को टालना संभव नहीं है, तो नहीं हो सकता। और साथ ही साथ आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा, क्योंकि 1 मई से नया सेशन शुरू करना पड़ता है, अप्रैल आपकी परीक्षाओं में निकल जाएगा, साथ में मूल्यांकन भी करना है, रिजल्ट भी आना है। तो ये सारी बातें को देख करके यही सोचा जा रहा है कि आप जो विद्यार्थी हैं वो अच्छे मार्क्स की तैयारी करें। हाँ, हालांकि आपके जो एग्ज़ाम डेट हैं वो आएगी या नहीं आएगी या बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, अभी तक ये क्लियर नहीं है। अगर लॉकडाउन की स्थिति आगे और बढ़ जाती है तो उस स्थिति में आपके पास में एक ही विकल्प बचता है कि आपकी जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो जल्द से जल्द और बिना किसी गैप के कराई जाएंगी। हो सकता है कि 1 दिन में 2 भी एग्ज़ाम हो सकते हैं आपके,
तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो अपने आप को प्रिपेयर करें, आपके पास बहुत समय है अभी, 16 दिन हैं आपके पास लगभग, और लॉकडाउन की स्थिति अगर बनी रहती है तो आपकी परीक्षाएं और भी आगे बढ़ सकती हैं और आपको और भी टाइम मिल सकता है। लेकिन जो दूसरे जो बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दे रही हैं क्लासें, उनको प्रमोट करने का प्रावधान है और हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं को देख करके उनको प्रमोट किया जाएगा। अगर उनको प्रमोट किया जाएगा इसका मतलब आपकी परीक्षाएं का जो स्तर है वो बहुत ही संभावना उसकी बढ़ जाती है कि आएगा ही आएगा आपका जो एग्ज़ाम डेट। और ज़रूरी नहीं है कि सेंटर चेंज हो या फिर रोल नंबर चेंज हो या फिर आपके आईडी जो प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड है, वो चेंज हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट के पास टाइम कम है और टाइम कम होने की वजह से गवर्नमेंट इतना आपको वक्त दे दिया है, तो वही बहुत बड़ी बात है। आप बने रहें इस चैनल पर, अच्छे से अच्छे जो आपको एजुकेशनल न्यूज़ प्लस एजुकेशन से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं और जो आपके चैप्टर्स हैं उनके लिए मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर कर दें इस चैनल को ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी ये खबर पहुंच पाए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे तो आप कुछ नहीं समझेंगे कि वीडियो में क्या बताने जा रहा हूँ मैं। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।